इट वाज ग्रेट या डायलॉग्स कम हैं लेकिन जो उनका गेटअप I don't know about that, but movie was good. She was also good. नहीं उनका कम रोल था शाहिद कपूर का ज्यादा था वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में ही थी मिडिल में बिल्कुल नहीं थे शाहिद ने जो अपना काम किया वो बहुत ही अच्छा किया शाहिद 11 एडवांस उनके 11 के डायलॉग कम है लेकिन जो क्यूट ठीक था मैम ऐसा मतलब अच्छे दिखाया फैमिली के लिए नहीं है लेकिन जो भी था बेस्ट था अच्छा था सही था 4.5 कैसी लगी आपको मुझे मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकते लेकिन हाँ ऐसा है कि जो शाहिद कपूर का काम है आई थिंक उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट काम बोल सकते हैं उनको जो एक्टिंग की है उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है और जो कियारा है वो क्यूटनेस उनके डायलॉग कम है फिल्म में कियारा के लेकिन जो उनकी जो एक्सप्रेशंस हैं जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी दिखाई दी केमिस्ट्री अच्छी है हाँ सर आपको कैसा लगता है कि मतलब जो शाहिद कपूर की अब तक की मूवीज थी उसमें से ये इनका ब्लॉकबस्टर नहीं ब्लॉकबस्टर तो मैं नहीं बोल सकता ये साबित होगा लेकिन हाँ ये है कि शाहिद कपूर ने जो एक्टिंग की है वो बहुत काबिले तारीफ है और वो बहुत अच्छा वर्क किया उन्होंने सॉन्ग एक अच्छा है जो बेखुदी में भी तेरी इस टाइप ख्याल है बेख्याली में भी तेरा ख्याल है वो बहुत सॉन्ग अच्छा है और इसके अलावा बाकी आई थिंक ज़्यादा सॉन्ग अच्छे नहीं बोल सकते हाँ स्क्रीन प्ले जो है हाफ के बाद काफ़ी लूज हो जाता है मैं 3 दूंगा ब्यूटीफुल मूवी शायद इस क्लास शायद तो वैसे ही एक्टर अच्छा ही है इसलिए अच्छा नहीं एक्टर बट ब्यूटीफुल इज डन अ गुड जॉब द पिक्चर इज गुड द म्यूजिक इज गुड एंड द बेस्ट पार्ट इज द एंडिंग मेक्स यू क्राई ऑफ सिनेमा एंड हाउ इज शायद बहुत गुड द स्टोरी इज वेरी गुड तो एवरीथिंग इज गुड द थिंग सॉन्ग्स इज बहुत ज्यादा सॉन्ग्स एक्चुअली सॉन्ग्स ज्यादा डाल दिए पिक्चर बिकम्स वेरी थोड़ा लेंथी भी है तो बीच बीच में थोड़ा बोर होता है बट एंड में एकदम पिकअप कर लेते हैं ये शो ऑफ 7-7 परफेक्ट मूवी एंड एज वी नो दैट वाज ऑसम मूवी आई या वी लाइक इट हाउ वाज शाहिद इन द मूवी शाहिद वाज सुपर्ब एंड बेसिकली द मूवी वाज बेस्ड ऑन द इंडियन लव स्टोरी इन व्हिच द डैड कम्स एंड स्पॉइल्स द लव स्टोरी बट एट द एंड ही गिव्स ब्लेसिंग टू बोथ देम And our blessings are with the movie. All the way, Shahid. And songs. Yes, super duper fan of Shahid from starting. Yes, बहुत अच्छा लगा. Like जिस हिसाब से उन्होंने करा role, like he is not drugaholic and the drinkaholic, right? So उन्होंने जिस हिसाब से movie में copy करा drugs लिए and it was a perfect. And how was Shahid and Kiara's chemistry? It was good. Awesome it was. Yeah. And any particular song if you can sing for us? Not this like all songs are good but the Mere Sonia was an awesome song yeah 4.8 thank you it was really really good I think the romance which they have which they have portrayed was really raw something I have not seen on the screen since very long time and I think this was Shahid's one of the best performance ever So I think this movie is going to be his best movie ever in his career, and I wish him all the luck. And I was there in the movie, so I saw myself as well. Really really good movie, and I wish Shahid all the best, and I hope the movie does really good business on the box office. That's all, yeah. Thank you. Awesome, mind blowing. I think the rawness of that love story is the real feel of the movie, and that's the best part of the movie. Yeah, I'm part of the movie and I have felt something like this as well in my real life so I really connected with the movie as well. Any song which like if you can sing for us I really liked Bekhayali I really liked that song where is that
Tera Ban Jaunga. I really like that song, Tera Ban Jaunga, and all the songs of the movie are great. So yeah, I loved it. At least four. Yeah, at least four. Yeah, thank you so much. Will you just say my Aman? The movie is not good at all, so just don't watch the movie. And I'll tell you one thing, Kiara Advani is okay in the movie. Shahid Kapoor might be good, but eventually the movie is all lovey-dovey romantic types and there is nothing you can watch. Just don't go. Thank you. Out of 5, how much? 1.5. Okay, thank you. Last one. So how was the movie? Movie to bahut achhi yaar, bahut zyada achhi hai. शायद तो हर अलग-अलग पार्ट में दिखाया गया तो वो बहुत अच्छा लगा. हर पार्ट में अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि वो ड्रग से तो नफरत हो रही, उसमें भी वो अच्छा लग रहा है. बस प्यार है उसको देख के, फिर से प्यार हो गए. देखा है आपको जितना चाहिए उतना ले लो मुझसे. इट्स वेरी नाइस, एवरीवन शुड डेफिनेटली वॉच इट. Like anything you want to ask in particular? Sorry? Anything you want to ask me in particular? Yeah. How was Shahid's look in the movie? Shahid has done a really good job. Although I would like to say one thing to the audience, people who haven't seen Arjun Reddy, please watch Kabir Singh first and then watch Arjun Reddy. Otherwise, you will end up, you know, comparing both the characters, which are different. Okay. Yeah, Shahid has tried to pull off the character in a different way. If you watch Arjun Reddy first, Vijay Deverakonda was a newcomer. It's a remake, right? It's a remake, but you end up comparing the character, right? Yeah. Vijay Deverakonda is a fresh face. We have never seen him. If you watch Arjun Reddy first, then watch Kabir Singh, you will compare Shahid's performance to his performance, which is not fair. Because we have seen Shahid in so many movies earlier. Yeah. So, how was Shahid and Kiara? Shahid has done a very good job. Shahid, Kiara and Shahid's chemistry is nice. Last scene of the movie, their chemistry goes a little off, but it's okay. Overall, movie is really nice. Any particular song if you can sing for us? Be Khayali is of course one of the best tracks in the movie. I think everyone likes it. Yeah. Although my horrible voice wouldn't do justice to the song, so I would not sing it. So out of 5, how much you would give? 3.5. Thank you. So how was the movie? Amazing. Shahid is brilliant in the movie. Yeah. बहुत अच्छी केमिस्ट्री, काफ़ी नेचुरल दिखी है और मतलब बहुत ऑडियंस को बांध के रखने वाली केमिस्ट्री है. अच्छी हम हाँ. और सबको पता है कि शाहिद ऐसे बैड बॉय किरदार में लड़कियों को ज़्यादा पसंद आते हैं. बीट कंपनी और उड़ता पंजाब एंड इवन इन बदमाश कंपनी, जब भी वो ऐसे रोल प्ले करते हैं वी रियली लव्ड हिम. बेख्याली, आई रियली लव्ड इट. एंड बाकी सब सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं. या नहीं नहीं, स्टोरी लाइन एक्चुअली बहुत अच्छी है. तभी इतने 3 घंटे की मूवी है. आजकल अब आदत भी चली गई है इतनी लंबी मूवी देखने की, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ख़त्म हो जाए. खींच रही है मूवी, काफ़ी इंगेजिंग है स्टोरी लाइन. 5 out of 5 बिकॉज फॉर शायद Shahid, we love you Shahid and all the best for all your upcoming movies. Yeah, welcome. Amazing. I think it's worth watching because of Shahid Kapoor. It's his best performance till date. So how was Shahid's look like? Completely alag avatar. Bilkul alag avatar. Extreme aggression, extreme anger. Aur iske saath saath he's an alcoholic. He is a drug addict, he is a womanizer and he is in a medical profession. So aap soch sakte hain ki agar director ne dhyan nahi hota to it would have gone haywire. बट वो प्रोटैगनिस्ट नो फिर भी वो नेगेटिविटी को कैसे ट्रांसफॉर्म करके ही बिकम्स अ पॉजिटिव पर्सन बिकॉज हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट हिम, तो वो बहुत काबिले तारीफ है. मैडम ये गाड़ी तो आप लोग के लिए नहीं ना खड़ी रहेगी. आप सो कैन यू टर्न ऐसे कर ले चली जाएगी ना उतने में तो. सो आई थिंक यू लाइक द स्टोरी लाइन ऑफ द स्टोरी बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है. आई थिंक ऑल द परफॉर्मेंसेस आर वेरी गुड. कायरा एडवानी का बहुत अच्छा रोल है. एक दो इमोशनल सीन्स है जहाँ पे उनका एक्चुअली एक्टिंग देखने में आती है. और इसके साथ निकिता दत्ता सेकंड लीड जो है उनका भी बहुत अच्छा किरदार है हीरोइन का. एंड ऑल द सपोर्टिंग एक्टर्स, अर्जुन बाजवान के बड़े भाई, सुरेश ओबेरॉय उनके फादर, सबके बहुत अच्छे रोल्स हैं. और म्यूज़िक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी का. बेख्याली एक सॉन्ग है विच स्टेज विद यू एंड अदर सॉन्ग्स विच प्ले इन द बैकग्राउंड. तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज. अमेजिंग, दे लुक रियली हॉट. और जो भी सीन में आते हैं ना वो इंटेंसिटी वो देखने को मिलती है. तो बहुत ही सिजलिंग केमिस्ट्री है दोनों की. बेख्याली एक सोनियो गाना है लास्ट में. बेख्याली में भी तेरा
something of that sort. I don't know. 3.5. देखिए नॉर्मल पिक्चर से थोड़ी हटके है, एक पढ़ा लिखा नौजवान है, डॉक्टर है, सर्जन है, वो भी गुस्सा अपने काबू में नहीं रख सकता है और वो एक लड़की से प्यार कर बैठता है और प्यार में इतना पागल हो जाता है कि उसकी दुनिया ही पूरी उजड़ जाती है। अलग तरह से पिक्चर बनाई है, पहले जो लैला मजनू और उस टाइप की पिक्चर थी ना, ये मॉडर्न, उसको उसका मॉडर्न रूप दिया गया है। शाहिद का रोल बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा रोल उसने किया है और जो हीरोइन है किया अडवाणी वो भी बहुत सुंदर लगती है, केमिस्ट्री जमती है। पहला इंटरवल के पहले हीरोइन का रोल है, उसके बाद तो वो आती भी नहीं है, लेकिन वो जो दो चार लव सॉन्ग्स है और कॉलेज लाइफ बताया वो बहुत अच्छा बताया। गाना तो नहीं याद रहता है लेकिन म्यूजिक बहुत अच्छा था। नहीं नहीं, हम लोग फुल फैमिली आते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इसमें इसका जो शराब और सिगरेट और सेक्स जो इसमें बताया गया ना, तो भाई पहले ना बोली कि मैं नहीं आऊँगी, तुम देख के आओ, हमको ये पसंद नहीं है करके। रिव्यू तो अभी बच्चे हैं, लड़के लड़की वो लोग तो देखेंगे, क्योंकि शाहिद कपूर का जो पिक्चर आता है वो अच्छा ही आता है, एक्टिंग अच्छी आती है, हीरोइन नई है, हीरोइन का रोल अच्छा है। इसमें इसका एक दोस्त है शिवा, उसका रोल बहुत ही टचिंग है और बहुत बढ़िया रोल किया उसने। 5 में से 3 दूंगा इसको। माइंड ब्लोइंग मूवी, इससे पैसा वसूल, टोटल पैसा वसूल। या श्योर, शायद कल आऊँगा फिर देखने के लिए, आज तो नहीं आ पाऊँगा, श्योर आऊँगा देखने के लिए। हाँ अलग ही साइको, उनका जो साइको वाला लुक है, साइको उनको साइको बताया गया है, कुछ कुछ बदल जाते हैं कभी कभी प्यार में तो ओनली फॉर लव, तो इसीलिए वो साइको हो गए हैं लव के लिए। तो मैं बोलना चाहूँगा साइको मत होइए, जो प्यार करते हैं छोड़ के मत जाइए सच्चे दिल से। तो मूवी वॉज असम एंड स्टोरी इज आपको दिल को छू जाएगा, आपको उठने नहीं देगी सीट से। एंड जो बेहतरीन मोमेंट है क्लाइमेक्स, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, आपको मूवी देखने पड़ेगी, जो सबसे बेस्ट पार्ट है क्लाइमेक्स, आपको पता चलेगा आपको रुला देगी। हाँ 174 मिनट्स, हाँ 3 घंटे की, तो लगभग 3 घंटे की है, तो कुछ कोई भी एक सीन नहीं है बोरिंग है। मैं आपको बोल रहा हूँ आप उठ नहीं पाएंगे सीट से, ऐसा मूवी बना है कि सही से नहीं देखा है आपको, पूरा पब्लिक को खींच कर रखेगी सीट पे बैठा के रखेगी, आप उठ नहीं पाएंगे। सो ब्यूटीफुल सो माइंड ब्लोइंग, क्या असम केमिस्ट्री था, लव स्टोरी नहीं इमोशनल लव स्टोरी जो है वो बहुत इमोशनल है। या आई एम सो कनेक्टेड अप। मैं नहीं गा सकता, भी गाना याद नहीं है, जो बेकरारी सॉन्ग है वो ज़्यादा टचेबल है मेरा हाथ में, बहुत अच्छा है गाना। 5 out of 5, थैंक यू सो मच।